कुछ कैंडिडेट कैंडिडेट करो ना कैंडिडेट चला गया ना बिग बॉस का पूछते ना मैं बिग बॉस कितना भी देख रहे हो चालू पूरा साल बिग बॉस चलेगा तो इंसान वही देखेगा कुछ काम भी करेगा कोई बता दो क्या काम आ रहा है आप दोनों का भी कोई बड़ा आ रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट आप दोनों का साथ में मेरा तो शूट खत्म हो रहा है इट्स माय लास्ट डे ऑफ शूट टुमारो 2021 खत्म हो गया मेरे लिए बहुत ही घटिया साल था तो अब 2022 शुरू हुआ है तो उसके साथ अच्छी खबरें आने लगी मेरे पास तक अब जब तक वो आपके पास तक आती है तब तक स्टार्ट होने तो देन आई विल अबाउट इट वरना तो फिर बोलती रह जाती हूं कुछ पता है नहीं होगा मैम जरूर बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो निशांत ऑल द वे निशांत मतलब मेरे वहाँ पे हैं दोस्त बट इट्स लाइक कि निशांत हैज बीन देयर विद मी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम वेरी कंसिस्टेंट या और आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसने किया है पूरे शो में और जितने टाइम से करता आ रहा है ओटीटी से तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ ट्रॉफी नाउ समिता के बारे में बता दो समिता समिता प्रतीक एंड निशांत इन तीनों में ओटीटी देगा तो मुझे खुशी होगी बट निशांत और उमर रियाज का जो वो फेयर था या अनफेयर था मेरा फेयर था या अनफेयर था नहीं नहीं आपके हिसाब से फेयर था या अनफेयर था मतलब उनको बिग बॉस से निकालना मैंने देखा नहीं शो एंड आई एम श्योर अगर जनता बोल रही है कि अनफेयर तो फिर अनफेयर होगा आई ऑलवेज गो विद द ऑडियंस एक मिनट रुक के जा रहा हूं फोटो के लिए थोड़ा पीछे आना कुछ कैंडिडेट कैंडिडेट करो ना कैंडिडेट करो हम लोग कैंडिडेट हम सारे कैंडिडेट हैं जाओ करें हाँ जाओ मेरा ही पकड़ो फिर बॉस की बात तो सब कर रहे हैं लेकिन कई लोग नाराज भी हैं उनको जो ये बिग बॉस टर्म ही है वो अब एक मतलब बोरिंग टर्म लगने लगा है लोग नहीं चाहते हैं इसके बारे में बात करें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मैं भी नहीं करना चाहती सी अगर आप पूरे साल कोई शो चलाओगे जो ऐसा है कि आप उसमें नए कंटेस्टेंट्स भी नहीं ला रहे हो एज अ वाइल्ड कार्ड आप सेम जो पिछले 5-6 साल से रगड़े जा रहे हो वो ही आए जा रहे हो वो आए जा रहे हो तो आई थिंक ऑडियंस एज अ इट्स अ रियलिटी शो ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी न्यू फेसेस न्यू ड्रामा न्यू पीपल सो अगर आप एक ही चीज़ 36 बार दिखाओगे उनको इतनी आदत पड़ गई है उनके लिए वो एक रियलिटी तो रही नहीं है ऐसा लगता है जो भी नए लोग आते हैं उनको ये लोग ऐसा कर देते हैं कि एक एक्स्ट्रा होते हैं ना डांसर्स कि डांसर्स को लिया एक्स्ट्रा और फिर उन्हें निकाल दिया तो आई थिंक इट्स लाइक द न्यू पीपल दे जस्ट टेक इट टू कवर द थिंग्स अप वो माहौल बनाने के लिए उसके बाद उनको लगता है निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए क्योंकि बाद में तो उनके लोग आने वाले होते हैं और ये भी कहना चाहूँगा कोई भी सेलिब्रिटी बनता है यू नो क्रिएट अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन एनी इंडस्ट्री कुछ टैलेंट होता है कुछ क्वालिटीज होती है यहाँ ऐसा लगता है कि फोर्सफुली सेलिब्रिटी स्टेटस क्रिएट करना सी आई विल नॉट क्वेश्चन दैट बिकॉज व्होमसोएवर हैज बीन सीन ऑन टीवी दे बाय द एंड ऑफ दे हैव डन समथिंग ठीक है तो सेलिब्रिटी द टर्म I think people misunderstand it. I think celebrity is somebody who has done work and who has been, you know, doing something or the other. Not that the कि आपने ये कर लिया और अब आप hi मैं किसी ने को नहीं देखूंगी bye ऐसा नहीं होना चाहिए. I think people should be humble. बहुत सारे लोग हैं ऐसे but celebrity term is nothing. It's just you have to be humble by the end of the day. You are a human, you should not forget that. And people think they become God after becoming a celebrity. They don't want to treat people right or media. Sometimes I see the post where media has been like, you know, ki kuch bhi ye ja raha hai, hati ye sab. I don't like that. Because by the end of the day, they are for you. They are making you more famous. They are making you seen by audience. So I think you should appreciate it. And so I think people should really take care of the term celebrity. Lastly, we are talking about TV industry. Ko OTTs ke aane se kitna effect hua? Is this a competition or something? Or you want to comment on it? I don't know. I understand that everybody has made their groups. You know that OTT people are like,
No, we just want to take OTT faces. We don't want to encourage TV to come up. Or nahi ye to TV face hai. Arey nahi. In fact, mere saath ye hua hai that I was casted for one of the shows, but then I got rejected. Arey ye to Big Boss mein aayi thi. So I think for me, Big Boss. Reality show ka thappa hatana bhi thoda sa mushkil ho jata hai when you do. Hum log kitne 5 saal pehle humne Splits wala kiya tha. Still, kahi casting mein aisa hota hai. Log bol dete hai ki aap MTV faces hai. So that also. Mere liye to it's like double image create karna because I've done negative. And so everybody who approaches me is for negative. And I left the show for the main reason that I don't want to do negative. So I think people typecast you and they don't want to entertain you in that manner ki they don't want to see new thing in life. They just want to, arre ye kar raha hai wo to isko le lo, agar wo kar raha hai usne wo kiya tha to kar lo. So they don't want to even see if the actor is performing or not. So yeah. Thank you. Thank you.